मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि ये दिखा दे, यहाँ पे लिखा हुआ है गरीब का नेता कैसा हो, नवाब मलिक जैसा हो। टाइगर अभी जिंदा है, ये तो आपने सुना होगा, ये नवाब मलिक का कहना है। और यहाँ की मामले की जो है एक पैसे के अब जो है नोटबंदी को बदलना चाहिए। मिलिए मानखुर्द शिवाजी नगर के निर्दलीय उम्मीदवार नवाब मलिक से। बढ़ती दादागिरी और ड्रग्स का खात्मा होगा उनका प्रमुख लक्ष्य। एनसीपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। वे मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरने वाले हैं, जहां उनका मुकाबला वर्तमान विधायक और समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी से होगा। नवाब मलिक का कहना है कि मानखुर्द शिवाजी नगर का सही डेवलपमेंट, यहां बढ़ती गुंडागिरी और युवाओं में बड़ी ड्रग्स की लत को कम करना उनकी प्राथमिकता होगी। संदेश श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। हमने फैसला किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और 29 तारीख के दिन नामांकन करेंगे। जिस तरह से जनता ने आग्रह किया था कि यहाँ से चुनाव लड़ो और यहाँ पे जिस तरह की राजनीति है, डर की राजनीति, नशे की राजनीति, पूरी तरह से लोगों को दबाया जाता है, डराया जाता है, सारी चीजों को खाते हुए लोगों ने लड़ने का मन बनाया है। मैंने भी तय किया कि चुनाव लड़ूंगा तो कोई मेरा विरोध करे, कौन सी सीट दे ना दे, कौन सी पार्टी की सीट दे, सवाल कर के ना चुनाव हमें लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। सारे हालात जो जनता चाहती है उस तरह से हालात प्रभाव बदलने चलता है। प्रभाव जो है वो जीवन में प्रभाव को किसी हालात में बदलता है। संघर्ष करने वाले लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, आगे भी करेंगे और चुनाव भी देखिए और हालात बदलाव का पूरा माहौल है और तब्दीली करना चाहते हैं। टाइगर अभी जिंदा है, ये तो आपने सुना होगा, ये नवाब मलिक का कहना है। लेकिन टाइगर के साथ साथ जो टाइगर के साथ घूमने वाले जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, वो भी आज जिंदा है। और यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि ये दिखा दे, यहाँ पे लिखा हुआ है गरीब का नेता कैसा हो, नवाब मलिक जैसा हो। यानी कि टैटू बनाया गया है यहाँ पे नवाब मलिक की तारीफ में। क्या कहना चाहेंगे अंकल, ये टैटू क्यों बना आपने? नवाब मलिक को हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान, भगवान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। मेरे पिताजी से भी ज्यादा मैं नवाब मलिक का प्रेम करता हूँ। क्या वजह है कि उनको मानते हैं? ये गरीब के लिए कौन सा भी दुख सुख में खुद शामिल होते हैं नवाब भाई, खुद दूसरे को नहीं बेचते। हॉस्पिटल रहने दो, चौकी रहने दो, बीएमसी रहने दो, हर एक चीज में नवाब मलिक का मदद है। 2004 में नवाब मलिक ने बरसात आया था, सब आदमी लोग भय के जाते थे, दीवार डाला करके लिए आदमी लोग कम से कम 600 आदमी बच गए। अभी कोरोना में कम से कम 2 ट्रक अनाज बांटा नवाब मलिक ने गरीब आदमी के लिए, उसके लिए गरीब के लिए बहुत जगह है उनके दिल में। गरीब जितना भी जाएगा उनके दिल में जगह है, गरीब के लिए, बड़े लोग के लिए जगह नहीं है। आज भी नवाब मलिक गरीब के लिए काम कर रहे हैं और हमको टिकट भी नहीं मिलेगा तभी नवाब मलिक आपस से चुन के आएगा, इतना हमारा वादा है। टिकट की अगर बात करें तो कई सालों से जो है एनसीपी में रहे हैं, एनसीपी की बात करने की वजह से उनको जेल भी, उनके साथ बहुत गलत भी हुआ, लेकिन आज एनसीपी उनके साथ खड़ी नहीं है। एज ए कार्यकर्ता कितना दुख हो रहा? दुख तो बहुत है ना, दुख क्यों नहीं है, दुख क्यों नहीं है। गरीब का नेता है उसके लिए तो हम बोला ना, हमारा गरीब का नेता है करके आज हम लोग हमारे दिल से उतारे लिए नवाब मलिक। तो ये थे उनके कार्यकर्ता जो साफ यही कह रहे हैं कि इस तरह की जो बातें हैं, यानी कि जो नवाब मलिक के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि इतने साल जो है उन्होंने, नवाब मलिक साहब ने जो है जनता को दिया है, एनसीपी को दिया है, लेकिन जनता यही चाहती है कि वो जो है इलेक्शन लड़े और यहाँ से जो है नशा का जो व्यापार चल रहा है उसे खत्म करें। देखिए, नवाब मलिक साहब का जो फैसला है वो कार्यकर्ता का आखिरी फैसला है। आज अजीत दादा पवार साहब उनके घर पे आए थे और कपिल भाई पटेल साहब भी आए थे मनाने के लिए कि आप मत खड़े हो जाओ और सीनियर लीडर है आप, लेकिन जिस तरह नवाब मलिक साहब डोर टू डोर लोगों में जा रहे हैं उसे हमें पता है कि लोग इनको बहुत चाह रहे हैं।
ये जो गुंडागर्दी और दादागिरी गोवंडी के अंदर 15 साल से चल रहा था, उसके सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, जो विधायक यहाँ का है। आज एक नवाब मलिक साहब को लोगों ने डिमांड करके लाया है गोवंडी मानपुर विधानसभा में, तो नवाब मलिक साहब को अगर लाया है तो नवाब मलिक साहब ऐसे बंदा है, अगर कोई जनता उनको आवाज देता तो जनता के साथ में हमेशा खड़ा रहा है और जनता के हित के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी को 64-63 साल के जीवन को हमेशा जनता को बांट दिया, अपने परिवार को भूल गया है। लेकिन ऐसा है कि नवाब मलिक एक ऐसा चीज है, उन्होंने जो तय कर लिया वो करने वाला है, उनको कोई रोक नहीं सकता है और कार्यकर्ता पूरा जोर शोर में उनके साथ है। हम इसलिए लगे हैं कि नवाब मलिक सबसे उम्मीद नशा और यहाँ पर जो मर्डर हो रहा है और नशा बेचने वाले और यहाँ के जो बहुत से लोग जो जबरन कब्जा करके रखा है गाय गरीब लोग का जगह, उनको छुड़ाने का काम नवाब मलिक सब करेंगे और नशेखोर जितने भी यहाँ नशा बेचने वाले, मैं चैलेंज के साथ आपको बोलना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये सारे भाग जाएंगे। आने वाले 29 तारीख को 11 बजे दुनिया की कोई ताकत नवाब मलिक साहब को रोक नहीं सकेगा। नवाब भाई चुनाव लड़ रहे हैं और गोवंडी से विधायक मानपुर मंडाले से विधायक के रूप में जनता उनको पसंद करके चुन के भेज रहे हैं और पूरी दुनिया और देश देखेगा नवाब मलिक के काम को और नवाब मलिक साहब ने जवाब दिया और जवाब पे खरा उतरने वाला है। देखिए जब मुझे राजनीति के अंदर किसी ने लाया, नवाब मलिक साहब के साथ मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ तो उनका स्टाइल अलग है, काम करने का मेरा अलग है। अब मैं बोलूंगा कि मैं आपको रास्ता भी नहीं छोड़ूंगा और आप लड़ो भी मत, आप मेरे साथ थे तो जमाना गया ना, वो जमाना चला गया। अब नवाब मलिक देश का लीडर है, पूरी दुनिया के अंदर नवाब मलिक का नाम है, पूरी जनता नवाब मलिक के साथ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपने शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो इंसान को। नवाब मलिक ने कभी जीवन में मजहब की दीवारों में नवाब मलिक ने इंसान को बांटने का काम नहीं किया है और इसलिए सलूट करता है। हमारा क्या लेना देना है, लीडर तो कोई भी बन जाता है लेकिन नवाब मलिक जैसा लीडर पैदा होना देश के अंदर बहुत ही मुश्किल है, दोबारा होगा नहीं और खुशी की बात है। नवाब मलिक जैसे लोग आगे आके उनके परिवार आज बहुत ही संघर्ष से गुजारा करके आज इस दौर से गुजरा है, आपने देखा है। और नवाब मलिक सबको काम करने का इच्छा है और मंत्री रहा 6 बार, आज 35 साल का उनको तजुर्बा है, इस गोवंडी को सुधारना चाहता है और नवाब मलिक जनता के भरोसे पे खरा उतरना चाहता है, उतरेंगे। टाइगर जिंदा है, उनका नाम है नवाब मलिक और सना मलिक भी जीत रहा है, उनकी बेटी 28 तारीख को फॉर्म भरने जा रहे हैं 10:30 बजे, वो भी जीतने वाली है। जनता उनके साथ है, चिता के वहां पे हमें शक्तिनगर के तालुका के सभी कार्यकर्ता खुश है, सभी धर्म के लोग खुश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ यही जगह आना, नवाब साहब की जीत होगा और हम सब आपके चैनल में स्टेटमेंट देंगे और जो लोग बुरी नजर वाले उनका मुंह काला होने वाला। अपना शिवाजी नगर गोवंडी की जो आवाम जो है बदलाव चाहती है और इंशाल्लाह आने वाले 23 तारीख को बदलाव होगा और यहाँ के महामोहनों की जो है एक ख्वाहिश है कि अब जो है गोवंडी को बदलना चाहिए और यहाँ पे जो सर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से फुलफिल करने के लिए नवाब मलिक साहब पूरी तरीके से सक्षम है। ऑफकोर्स टाइगर हमेशा जिंदा रहेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ संध्या।